हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ मेड इजी बाय साधना और साधना झूमन्स रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रागी की हेल्दी या पौष्टिक इडली। ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रागी की इडली बनाना। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनी है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रागी की हेल्दी या पौष्टिक इडली बनाने के लिए पहले हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। एक चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई। राई अच्छे से फ्राई होने के बाद एक छोटा चम्मच चना दाल, एक छोटा चम्मच उड़द दाल, दो कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक भून लिया, अब उसमें डालेंगे सब्जियां। कैप्सिकम एक छोटा बाउल, फ्रेंच बीन्स एक छोटा बाउल और एक छोटा बाउल कटी हुई गाजर। आप गाजर को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, आप इसमें मनचाही सब्जियां ले सकते हैं। आप इसमें आपके पास जो सब्जियां अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके, गैस की फ्लेम कर देते ऑफ। अब हम सब्जियों को ठंडा होने देते। ठंडा होने के बाद हम इसे बैटर में डालेंगे। सब्जियां ठंडी हो रही है तब तक हम इडली का बैटर बनाएंगे। 1 कप रागी का आटा लिया है वो डालेंगे। 1/2 कप सूजी ली है वो डाल देते, बारीक वाली सूजी ली है। 1/2 कप ओट्स का आटा लिया है, ओट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है वो डालेंगे। अब उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने सब्जियों में भी डाला है इसलिए थोड़ा कम नमक डालेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 कप दही। ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते। अब उसमें डालेंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ, डाल देते। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका बैटर बनाएंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब उसमें डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इडली का बैटर बनाएंगे। और पानी डालेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। बैटर को 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते। इडली प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेते। पंद्रह मिनट हो चुके, हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है।
अब उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर कितना फूलने लगा है। अब बैटर को हम तुरंत ही इडली प्लेट में डालेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। आप इसे बच्चों को टिफिन के लिए भी दे सकते हैं। इडली कुकर को मैंने पहले से स्टीम होने के लिए रखा था, अब उसमें रखेंगे इडली प्लेट। कुकर को ढक देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है। 15 मिनट हो चुके, आप देख सकते हैं हमारी रागी इडली बहुत ही अच्छे से फूल गई है। चेक करेंगे, टूथपिक क्लीन आई, मतलब हमारी इडली अच्छे से हो गई है। हम इडली को ठंडा होने देंगे और उसके बाद निकालेंगे। इडली को ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। रागी इडली ठंडी हो चुकी है, इडली को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इडली निकल रही है और कितनी स्पॉन्जी बनी है आप देख सकते आप रागी की इडली को नाश्ते के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सभी इडली तैयार है। बहुत अच्छी जाली आई है, मतलब बहुत अच्छी स्पंजी भी है।